असलम एवरी वन आई एम डॉटर शाहजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा मिसलिनियस मिस्टेक्स और मिसलिनियस मिस्टेक्स को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द रिपिटेशन मिस्टेक्स तो रेपिटेशन मिस्टेक्स के अंदर जो हमारे पास नंबर वन मिस्टेक है दैट इज़ वी अवॉइड रेपिटेशन इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ टू इज सेम तो हम बार बार सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करेंगे अगर वो दोनों क्लाजिज़ में सेम है जैसे कि एग्जाम्पल देखें ही किल्ड द स्नैक एंड ही थ्रू इट टू द रूफ तो ही हम दूसरी बार नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट दोनों क्लाजेज में सेम है अगर यहाँ पर आई लगाते तो तब ठीक होता हम आई लगा सकते थे लेकिन अगर दो बार ही लगाएंगे तो वो गलत होगा सेकेंड जो हमारे पास रूल है दैट इज़ डबल रेलेटिव प्रोनाउन इज रोंग तो जैसे कि हमने बात की थी कि रेलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु विच एंडट ठीक है who, uh, तो ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है तो इनको एक साथ दो को इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखें दिस इज़ द सेम बुक दैट विच आई बॉट यस्टरडे तो, तो दैट और विच दोनों इस्तेमाल नहीं हो सकते तो डबल आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट इज़ रॉन्ग तो ये रिपीटेशन मिस्टेक है हमारा थर्ड रूल है डबल इंटैरोगेटिव इज रॉन्ग तो डबल नेगेटिव वाला जो है वो रॉन्ग होता है ये इम्पॉर्टेंट रूल है इसको आपने इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना है ठीक है जी डबल इंटरोगेटिव आपने नहीं लगाना एग्जाम्पल देखें ही आस्ड मी व्हाट वॉज माई नेम आपने वॉज भी पहले ले आए हैं और आपने डब्ल्यू एच वाला वर्ड भी लगा लिया तो जब आपने डब्ल्यू एच वाला वर्ड दरमियान में कहीं लगा लिया है तो फिर आपने दोबारा वॉज को पहले नहीं लाना आपने लिखना है ही आस्ट मी वट माई नेम वॉज़ तो दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन फोर्थ रूल जो हमारे पास है दैट इज डबल कंजंक्शन इज रॉन्ग तो डबल कंजंक्शन आपको नहीं लगानी जैसे कि एग्जांपल देखें ही इंक्वायर्ड दैट इफ़ ही वुड कम ठीक है इंक्वायड भी आपने कर दिया और दैट भी लगा दिया तो दोनों का सेम ही ऑलमोस्ट मीनिंग बनता है तो आपने इंक्वायर्ड बस ही इंक्वायर्ड इफ़ ही वुड कम ठीक हो गया तो डबल कंजंक्शन रॉन्ग है आपका डबल रिलेटिव प्रोनाउन रॉन्ग है डबल इंटारोगेटिव रॉन्ग है और आपका रेपटेशन रॉन्ग है हम अपने फिफ्थ वाले रूल पे आते हैं दैट इज़ डबल एडजेक्टिव इज़ रॉन्ग तो डबल एडजेक्टिव वाला रॉन्ग वाला भी कई बार आ जाता होता है तो आपने इसको देखना है अहमद इज़ मोर वाइजर आपने मोर भी लगा दिया एंड आपने वाइजर भी लगा दिया तो ये आपके पास डबल एडजेक्टिव इस्तेमाल हो गया तो ये आपने इस्तेमाल नहीं करना दैट इज़ रेपिटेशन मिस्टेक सिक्सथ वाला हमारे पास रूल है कि डबल नेगेटिव इज रॉन्ग तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट रूल है जैसे कि डबल इंटेरोगेटिव वाला मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट है तो डबल नेगेटिव भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल देखें फोरबे ही फॉरबेड मी नॉट टू स्मोक तो फोरबेड का मतलब भी ना कि सेंस में होता है और साथ में नॉट आप नहीं लगाएंगे सेकेंड एग्जाम्पल देखें प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड का मतलब भी रोकना होता है तो आप नॉट नहीं लगाएंगे साथ में और उसने शी हेजेंट पहले ही लगा दिया तो आप नो no का इस्तेमाल नहीं करेंगे ठीक हो गया देन उसके बाद डी वाला देखें आपके पास लेस्ट आता है सब्जेक्ट आता है शुड आता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि लिस्ट के साथ शुड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इनके साथ नॉट नहीं आता क्योंकि लेस का मीनिंग पहले ही नॉट की सेंस में है देन हमारे पास आ जाता है ई वाला आपने नॉट नहीं इस्तेमाल करना नीदर के साथ तो नीदर का मतलब भी नॉट के सेंस में होता है तो इसके साथ भी आपने नॉट का इस्तेमाल नहीं करना नेक्स्ट हमारे पास रूल है सेवन्थ पे कि डबल यूज ऑफ पास परफेक्ट इज़ रॉन्ग तो पास परफेक्ट दो एक साथ नहीं आ सकते हैं आप एक तरफ पास इंडेफिनेट लगाएंगे और एक तरफ पास परफेक्ट तो वो करेक्ट होगा या आप दोनों तरफ पास इंडेफिनेट भी लगा सकते हैं लेकिन दोनों तरफ पास परफेक्ट नहीं लग सकता एग्जाम्पल देखें ही हैड कम्प्लीटेड हिज जॉब वन आई रीच एक तरफ पास परफेक्ट है और दूसरी तरफ हमने पास इंडेफिनेट का इस्तेमाल किया है एर्थ वाला रूल देखें डबल यूज़ ऑफ़ फ्यूचर इज़ रॉन्ग स्पेशली इन कंडीशनल ठीक है तो डबल फ्यूचर इस्तेमाल नहीं हो सकता आई विल फॉन यू इफ़ ही विल अराइव तो दो दफ़ा आप फ्यूचर uh, का इस्तेमाल नहीं कर सकते एक जगह पे आपने फ्यूचर इंडेफिनेट का इस्तेमाल करना है तो दूसरी साइड में आपने फ्यूचर एक तरफ आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट का इस्तेमाल करना है और दूसरी तरफ आपने फ्यूचर इंडेफिनेट का इस्तेमाल करना है तो तब आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा आई विल फोन यू इफ़ ही अराइव्स तो अराइव्स आ गया और विल फोन आ गया अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पे रिडंडेंसी तो रिडंडेंसी क्या होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड या फ्रेज़ हमने ऐड करना जिसका मीनिंग पहले ही कन्वे हो चुका हो जैसे कि एग्जांपल्स में देखें रिपीट और अगेन तो रिपीट का मतलब भी दोबारा होता है और अगेन का मतलब भी दोबारा होता है तो दोनों साथ नहीं आएंगे न्यू इनोवेशन तो इनोवेशन होती ही न्यू है तो वो कभी भी नहीं आ सकता ट्रू फैक्ट तो फैक्ट हमेशा ट्रू ही होता है तो आप उसको नहीं कर सकते उसके बाद प्रोग्रेस फॉरवर्ड तो प्रोग्रेस का मतलब ही आगे बढ़ना होता है और फॉरवर्ड आप नहीं लगा सकते तो ये सारे मेरे पास वर्ड्स हैं आप इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा एक बार आपने ये सारे वर्ड्स को रीड आउट कर लेना है इसी तरह हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं जैसे वेरियस एंड डिफरेंट है कुछ एग्जाम्पल देख लें जैसे कि ओवेशन है एंड रोज अप तो अप का मतलब भी खड़े होता है ओवेशन का मतलब भी स्टैंडिंग ओवेशन मिलना तो ये नहीं आ सकते दैट इज़ रिडंडेंसी उसके बाद फ़र्स्ट आव है एंड बिफोर यू गो तो जब जाने से पहले कोई काम करना है तो फर्स्ट ही होगा वो तो ये भी रिडंडेंसी आपको लगाने की जरूरत नहीं है देन अगर आपने टाइम तो लगा दिया सेवन पी एम तो इन द आफ्टरनून इज़ रिडंडेंसी आपको लगाने की जरूरत नहीं होती देन है हमारे पास कॉलोकेशन तो कोलोकेशन ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिक चीज़ों के साथ ही इस्तेमाल होते हैं जैसे कि हमारे पास हैवी रेन होता है थिक रेन नहीं होता राइजिंग टेम्परेचर होता है रनिंग टेम्परेचर नहीं होता लेकिन मीनिंग तो सब दोनों का सीन है राइजिंग का भी बढ़ना है रनिंग का भी आगे बढ़ना होता है सीनिक व्यू होता है सीनिक पिक्चर नहीं होता हैव एन एक्सपीरियंस होता है डू एन एक्सपीरियंस या मेक एन एक्सपीरियंस हैव एन एक्सपीरियंस होता है इंपॉर्टेंट बात थी ठीक हो गया अब नीचे उन्होंने कुछ वर्ड्स बताए हुए जो मेक के साथ रहने मेक का मेस है मेक का मिस्टेक है मेक का नॉइस है मेक एन एफर्ट है मेक का मनी है ठीक है मेक प्रोग्रेस होता है मेक रूम होता है डू अ पेंटिंग होता है डू द कुकिंग डू द हाउस वर्क डू एन एक्सपीरियंस ठीक है डू द शॉपिंग डू द वॉशिंग अप डू योर हेयर्स होता है डू योर हेयर्स होता है मेक ट्रबल होता है मेक एन इन्वेस्टमेंट होता है मेक एन अरेंजमेंट होता है मेक एन अपॉइंटमेंट और मेक एन अटेम्प्ट अपॉइंटमेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट थे डू मी अ फेवर होता है डू अ डील होता है डू सम हार्म होता है डू द लॉन्ड्री होता है डू द टिश होता है ठीक हो गया डू अ डील होता है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके साथ यही कॉलिक इस्तेमाल होनी है तो ये आपने कुछ याद कर लेने अब ये कुछ वर्ड्स हैं मेक के साथ डू के साथ हैव के साथ एंड टेक के साथ तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वैसे मैंने ये बुक अपने ग्रुप में शेयर कर दी हुई है तो आपके पास बुक होगी आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें आपने ये याद करना uh, है मेक आ मिस्टेक मेक आ प्रॉफिट या लॉस मेक मनी मेक मिलियंस मेक अ फॉर्चून मेक अ वॉर मेक अ नॉइस मेक अ नॉइस इंपॉर्टेंट है मेक अ मेस मेक फन ऑफ सम वन मेक फन ऑफ समन इंपॉर्टेंट है मेक अ फोन कॉल मेक अ फोन कॉल इंपॉर्टेंट है मेक प्रोग्रेस होता है ठीक हो गया डू द आयरनिंग डू द हाउसवर्क डू योर होमवर्क डू बिजनेस डू वेल डू वेल भी होता है डू समथिंग रॉन्ग और राइट डू योर बेस्ट डू डैमेज या डू हार्म समबडी अ फेवर डू समबडी अ फेवर जो मैं साथ साथ मार्क करती जा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट हैव अ लुक इम्पॉर्टेंट हैव डिनर इम्पॉर्टेंट है हैव हेड डेक हैव अ पार्टी हैव अ पिकनिक हैव अ पिकनिक हैव अ बाबी क्यू हैव एन अपॉइंटमेंट हैव फन हैव ट्रबल हैव समथिंग इन कॉमन ठीक हो गया टेक अ फोटो आ, टेक एडवांटेज ऑफ समबडी टेक केयर ऑफ़ समबडी टेक प्लेस टेक समथिंग इन टू अकाउंट टेक योर टाइम टेक योर टाइम होता है टेक टाइम होता है टेक नो नोटिस ऑफ समथिंग टेक पार्ट इन समथिंग टेक द अपॉर्चुनिटी ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे आपको ये याद करने होंगे कॉलोकेशन जो सेम उनके साथ ही इस्तेमाल होते हैं अगर आप डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका रॉन्ग कंसिडर होगा दैट इज़ ऑल फॉर टुडे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मिसलिनियस मिस्टेक्स पे बात करेंगे थैंक यू सो मच